उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 19 साल बाद आंदोलनकारियों का एक बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। जी हां, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हजारों आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी थी। उनका सपना था कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जो पहाड़ के लोगों की जरूरतों और संस्कृति की देखभाल करे। राज्य आंदोलन से ही गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग होती रही थी। साल 2000 से अस्तित्व में आने के बाद न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन पहाड़ के लोगों की गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने के बाद गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। अलग राज्य के वजूद में आने के ठीक 19 साल और 4 महीने बाद आखिरकार रावत सरकार ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। रावत के इस फैसले को सूबे की सियासत में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नहीं बल्कि पूरे राज्य में इस तरह की खुशी का माहौल है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो निर्णय कर लिया है, हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है, वो जन भावनाओं के अनुकूल लिया है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ निर्णय लिया है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं और हमारे जो पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, देश विदेश से हमको मैसेज आ रहे हैं, जो विदेशों में जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। और यही नहीं, उत्तराखंड के ही लोग नहीं बल्कि मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम जो लोग जो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं और जो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड ये देवभूमि के नाते जो इसको जानते हैं, उन सब की बधाइयाँ हमको आ रही हैं। मैं समझता हूँ इसके पात्र सारे उत्तराखंड के लोग इसके बधाई के पात्र हैं। देखिए, ये लोगों के खुशी का इजहार है, उनकी खुशी का अतिरेक है कि आज इस रूप में इतनी ठंड में भी, इतना माहौल बाहर ठंडा है, उसके बावजूद भी लोग इतने दूर दूर गाँवों से हजारों की संख्या पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये उनकी भावनाओं का सम्मान हुआ है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। गैरसैंण में विधानसभा की बिल्डिंग के बाहर आम लोगों की मौजूदगी में खुद मुख्यमंत्री जश्न मनाते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले को राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के इस फैसले को वे उन शहीदों के नाम समर्पित करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कुर्बानी दी थी। देखिए, आज जो फैसला सरकार ने लिया है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में, मैं इसे समर्पित करता हूँ तमाम शहीदों को, उन माँ बहनों को जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया, तमाम तरह के अपमान रहे प्रताड़ना सही, वो नौजवान जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए, उन सबको मैं आज के इस घोषणा का, जो घोषणा मैंने यहाँ पर की है, इसका श्रेय भी उनको देता हूँ। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कई वजह से पहाड़ के लोगों के दिल से जुड़ी रही। जब हम उत्तराखंड का मानचित्र देखते हैं तो वर्तमान राजधानी देहरादून एक छोर पर नजर आता है। देहरादून उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ज्यादा करीब है, जबकि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और कुमाऊनी इलाकों से काफी दूर पर स्थित है। वहीं गैरसैंण उत्तराखंड के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, साथ ही पहाड़ी इलाके में स्थित होने से ये जगह पहाड़ के लोगों के दिल के करीब है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बीच में स्थित होने की वजह से उत्तराखंड की राजधानी बनाए जाने के लिए गैरसैंण एक उपयुक्त स्थान है। वैसे भी उत्तराखंड का 86% हिस्सा पहाड़ी है और मात्र 14% भूभाग मैदानी है, इसलिए भी आम जनता गैरसैंण को ही राज्य की राजधानी का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग 4 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। राजधानी के तौर पर गैरसैंण का नाम सबसे पहले 60 के दशक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने आगे किया था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय भी गैरसैंण को ही राज्य की प्रस्तावित राजधानी माना गया था। 1989 में डीडी पंत और विपिन त्रिपाठी ने उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के तौर पर गैरसैंण का ही नाम लिया था।
1991 में बीजेपी के 3 मंत्रियों और विधायकों ने गैरसैंण में जनसभा कर उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की औपचारिक राजधानी तक घोषित कर दिया था। यूकेडी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण राजधानी क्षेत्र का नाम चंद्रनगर रखा था। साल 1991 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने पहली बार अलग उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। 1994 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की सरकार ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कौशिक समिति का गठन किया था। कौशिक समिति ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की सिफारिश करते हुए 5 मई 1994 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कौशिक समिति ने भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच स्थित गैरसैंण को ही नए राज्य की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था। कौशिक समिति की रिपोर्ट के बाद ही 24 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के बाद गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। साल 2000 में ही उत्तराखंड महिला मोर्चा ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग पर खबरदार रैली निकाली थी। 2002 में गैरसैंण की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन हुआ और गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति का गठन किया गया। जनता के बढ़ते दबाव को देखकर उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया। दीक्षित आयोग को उत्तराखंड के विभिन्न नगरों का अध्ययन कर राजधानी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल का चुनाव करना था। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण को चिन्हित किया था। 17 अगस्त 2008 को दीक्षित आयोग ने अपने 80 पन्नों की रिपोर्ट को उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया था। इस रिपोर्ट में दीक्षित आयोग ने देहरादून और काशीपुर को राजधानी के लिए योग्य पाया था। दीक्षित आयोग ने विषम भौगोलिक दशाओं और भूकंप जोन को देखकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए अयोग्य बताया था। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट के बावजूद उत्तराखंड में गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा बरकरार रहा। जनभावनाओं को दरकिनार करने का साहस किसी भी पार्टी की सरकार नहीं जुटा पाई। 2012 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था। 2013 में गैरसैंण के जीआईसी मैदान में विधानसभा भवन का शिलान्यास भी किया गया था। 2013 में गैरसैंण से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन के लिए भूमि पूजन भी किया गया था। 2014 में गैरसैंण के विधानसभा भवन में पहली बार 3 दिन के सेशन का आयोजन किया गया था। मई 2014 में चमोली के गैरसैंण और अल्मोड़ा के चौखुटिया को शामिल कर गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया था। गैरसैंण विकास परिषद का काम गैरसैंण में विधानसभा भवन के निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू करना था। 2015-16 में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया था। अपनी स्थापना के समय ये नगर 7.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला था। 2017 में भी गैरसैंण में फिर एक विधानसभा के सेशन का आयोजन किया गया था। 4 मार्च 2020 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। जाहिर है कि इस फैसले से पहाड़ के लोगों की 40 साल पुरानी मांग पूरी हो रही है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का ऐलान क्यों नहीं किया गया।
रावत सरकार की गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के ऐलान ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि 2022 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर गैरसैंण भराड़ीसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। एक घबराई हुई सरकार का कुछ गड़बड़ाया कुछ घबराया सा निर्णय कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। देहरादून पहले से अस्थाई राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो आखिर राजधानी कहाँ होगी? ये निर्णय समय ने कांग्रेस के लिए छोड़ा हुआ है। कांग्रेस निर्णय करेगी और गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होगी। लेकिन ये सवाल भी उठना लाजमी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया था। हालांकि किसी भी सरकार के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना आसान नहीं होगा। इसके पीछे कई भौगोलिक और आर्थिक कारण है। 2000 में अलग राज्य बनने के बाद देहरादून में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए। अगर इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गैरसैंण में बनाना पड़ा तो इसमें हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए खर्च का इतना बड़ा बोझ फिलहाल उठाना काफी मुश्किल मालूम पड़ता है। वहीं भूकंप प्रभावित इलाके में आने की वजह से अगर गैरसैंण में ज्यादा निर्माण हुआ तो प्राकृतिक आपदा की हालत में राज्य को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि रावत सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो रावत सरकार ने एक लिहाज से 4 दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।